बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेल्स रमजान मुबारक एंड वेलकम टू तो मुबीन का किचन वेज चीज़ चिकन समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर दो अदर और बंद गोभी चाहिए 250 ग्राम यानी कि एक पाव जिसे बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया है और चिकन भी मैंने 250 फिफ्टी ग्राम्स लिया है जिसे कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसे मैंने श्रेड कर लिया है छोटे छोटे बारीक पीस कर लिए हैं और इसके साथ ही समोसा पट्टी चाहिए जो कि मैं छो, छोटे समोसा पट्टी यूज़ कर रही हूँ ये देख लीजिए वन बाय वन मैंने लेयर्स इनकी अलहदा कर ली हैं और अब मैं समोसे बनाने का जो मिक्सचर है वो तैयार करना स्टार्ट करूँगी एक पैन ले लिया और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है थ्री टू फोर टेबल स्पून बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि वो फिर समोसों से बाहर निकलेगा और इसमें मैंने क्रश कर लिया है गार्लिक थ्री टू फोर या टू टू थ्री पीस आप इसमें ऐड कर लें और इसे हल्का सा जो है वो लाइट ब्राउन सा कर लें इसके साथ ही मैं वेजिटेबल्स चिकन ऐड करना स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने बारीक बारीक अलग अलग एक पीस किए हुए हैं और चिकन के साथ ही जो है मैं कैरेट को भी ऐड कर लूँगी ऑरेंज कैरेट आजकल बहुत ही ज़बरदस्त सी आई हुई है जो माल्टी माल्टी रंग की फ्रेश गाजरें आई हुई हैं वो मैंने कद्दूकश कर लिया हैं इसे मैं चिकन के साथ जो है मिक्स कर लूँगी क्योंकि गाजरों को भी थोड़ा सा पकाना होता है ताकि ये गर्ल जाए तकरीबन थर्टी सेकेंड्स के लिए मैं इसे जो है वो कुक करूँगी इसके साथ ही मैं बंद गोभी को भी ऐड कर लूँगी यानी कि कैबिज ऐड कर लूँगी और इसे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुक नहीं करना है फोरी फोरी हम लोगों ने इसे हल्का सा फ्राई करना है निकाल लेना है स्पाइसिस ऐड करेंगे और इसे हमने जो है पैन आउट कर लेना है स्पाइसीज़ में मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसिस ऐड नहीं कर रही हूँ घर में जो भी मौजूद स्पाइसीज हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च वन टीस्पून ब्लैक पेपर सॉल्ट वन टीस्पून एंड चाइनीज सॉल्ट वन टीस्पून बहुत ही सा टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स का चिकन का और इसके साथ जो मैंने चीज़ ऐड करना है उसका भी फ्लेवर आएगा बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसीज़ आप लोग ऐड ना कीजिएगा फिर स्पाइसिस का ही टेस्ट आएगा इस तरह समोसों में आपने लाइट लाइट रखना है ये मिक्सर माशाल्लाह से देख लीजिए प्लेटर में मैंने निकाल लिया और इसे अब मैंने ठंडा कर लिया और इसके साथ मैंने कद्दूक की है मोजरेला चीज़ जो कि मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ चीज़ ऑप्शनल है आप चीज़ ऐड करना चाहें या ना करें ठीक है मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी आप याद रखिएगा कि वेज जो हमने फ्राई किए हैं हल्के सी उसे ठंडा होने के बाद हमने मोजरेला चीज़ ऐड करना है ये मसला से तैयार हो गया हम लोग का मिक्सचर और अब समोसा पट्टी को हम लोग जो है फिलअप करना स्टार्ट करेंगे ये देख लीजिए जितनी आपको पसंद हो आप उतना जो है रखिए इसमें समोसा पट्टी के बीच में ऐसे फोल्ड करते जाएं वन बाय वन एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर फोल्ड करना है और एंड में जो है वो मैंने आटे की लेई बना के तैयार की हुई है उसे आपने ब्रश के साथ जो है वो लेप कर देना है यहाँ पर मैं आपके सामने ब्रश के साथ देखें मैं लगाऊंगी और उसको मैं बंद कर दूंगी ये देखिए माशाला से कुछ ही सेकंड में हमारा जो है वो वेज चीज़ समोसा तैयार हो गया है जो कि बहुत ही मज़े का और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है इसका टेस्ट आएगा और ये माशाल्लाह देख लीजिए मेरे समोसे तैयार हो गए हैं तकरीबन बारह से तेरह समोसे मेरे तैयार हो गए हैं जो मैं अभी फ्राई करूँगी आपके सामने कुकिंग ऑयल मैंने अपने पैन में दोबारा रख लिया है और इससे मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है नॉर्मल हीट पे मैंने रखा हुआ है समोसों को हमने हल्की हीट पे जो है पकाना है फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए एक साइड को फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे फिर उसके बाद फिर दोबारा से हमने साइड चेंज करनी है इस तरह नहीं करना कि आपने एक साइड पका ली फिर दूसरी साइड करें इस तरह फिर समोसे जल्द से जाते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए एक साइड को फ्राई करें फिर दूसरी साइड को फ्राई करें ताकि क्रिस्पी अच्छे से हम लोग के समोसे हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है समोसे हम लोग के तैयार हो गए यकीन आपको पसंद आएंगे फीडबैक कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा मेरी वीडियो को अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को विद बेल इंशाल्लाह हर नई आने वाली वीडियो फ्री में आपको देखने में मिलेगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मेरे से मिलेंगी तो आप मेरे चैनल को विद बेल ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें घर के लिहाज से किचन के लिहाज से बताऊँगी आपको सिखाऊँगी ये माशाल्लाह देख लीजिए कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो गए हैं मैं अपने प्लेटर में सर्व करूंगी इसके बाद और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा रमज़ान में और दुआओं में मुझे याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर नई वीडियो लेके आऊँगी आप सबके सामने अल्लाह हाफिज़